Good morning from Joshimath. So today we got plenty of friends with us back there. Today just we're going for a short hike to a village called Gonk, and we're gonna take this road all the way up. This place is fantastic where we're going. This is a small village, but the village is really amazing. अंदर जो trail है, trail बहुत खूबसूरत है. Streams भी है अंदर, और जब गांव तक पहुंच जाएंगे it's gonna be even more beautiful. तो आप लोग वीडियो में बने रहो and we're gonna show you beautiful places and the Himalayan views. ये जो सामने वाला रास्ता है, एक्चुअली आप गाड़ी लेके आ रहे हो तो यहाँ से लेके आप आराम से गाड़ी साइड में कहीं भी पार्क कर सकते हो. एक्चुअली यू कैन टेक द बाइक और व्हीकल्स अप देयर इटसेल्फ. वहाँ पे जगह है पर थोड़ा सा स्टीप है. ऊपर में आपको स्नो कैप माउंटेन नज़र आ रहा होगा ऑलरेडी. फर्स्ट वी गन हैव टू क्रॉस a viewpoint called Indira View Point. Joshimath Podhalai. Check out this. तो officially हम लोगों का ट्रैक शुरू हो रहा है अभी यहाँ से. Right there. यहाँ पे ना बहुत शांति है अंदर, कोई शोर शराबा नहीं है अंदर. And so beautiful. So beautiful. हम लोग अभी पहुंच गए हैं व्यू पॉइंट तक. आपको दिखाता हूँ व्यू पॉइंट. इट्स अमेजिंग प्लेस. चेक दिस आउट. So you have to just go down. That is on the other side of the valley, and that's the road which is going towards Karan Prayag, Indira Prayag. So on and so forth. So here actually people do climbing. I mean, there are trainings given maybe from the government and private organizations. Amazing, amazing. वैसे सुबह सुबह उठ के आपको फॉरेस्ट के अंदर या कोई जंगल के अंदर ऐसे हाइक करता हुआ अच्छा लगता है. Then this will be a good spot. ऊपर से कुछ लोग आ रहे हैं. Oh, that's the natural decoration over there of different leaves of different colors. तो सामने कुछ लोग आ रहे हैं. Well, नमस्ते. नमस्ते. ये तो नीचे आ रहे जोशीमठ. पूरा स्टीप है, नीचे गिरेंगे तो पूरा फटाक टमाटर जैसे फट जाएंगे. जगह तो बहुत सही है भाई, बहुत सही जगह है. सरप्राइजिंगली इट्स नॉट वेरी फार. इट्स वेरी क्लोज टू द मिलिट्री हॉस्पिटल, होली रोड. और आप आराम से अगर जोशीमठ आ रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस. दिस प्लेस इज़ अ काइंड ऑफ अनटच्ड. आई वुड से ओनली लोकल पीपल नो अबाउट इट ऑब्वियसली, अदरवाइज नॉट मच पीपल नो अबाउट इट. द हिमालयन पीक्स वो दे. गोक के बहुत पास में ही हम लोग. यहाँ पे एक खतरनाक स्ट्रीम है, छोटा सा स्रोत, वो भी पहाड़ी स्टाइल में. तो ये है जो स्ट्रीम. गोक पहुँचने से पहले आपको रास्ते में मिल जाता है यहाँ पे. ये तो गौशाला लग रहा है. यहाँ पे गाय भैंस बकरियाँ, पता नहीं कौन सा चीज़ यहाँ पर रखता होगा. सो अंदर घास तो भरा है ऊपर में, बट लुक्स लाइक नॉट एबल टू सी एनीवन ओवर हियर. कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से. तो इस रोड से हम लोगों को जाना है और आगे थोड़ा सा. तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए गोक विलेज. आपको सामने दिखाता हूँ रास्ता कैसा है. सामने भी एक छोटा सा स्ट्रीम है जो आपको आगे देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा रास्ता हम लोग को क्रॉस करके जाना है यहाँ से, उसके बाद ऊपर, और हम लोग गोंक में पहुँच गए। आगे जाएंगे, आशु बोल रहा है तो आगे जाएंगे फिर। तो हम लोग पहुँच गए ऑलमोस्ट, लगभग ऑलमोस्ट क्या, हम लोग पहुँच ही गए यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा बैठेंगे हम लोग, धूप सेकेंगे, कुछ चबाएंगे, पियेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। और एक चीज़ दिखा दो आपको, मीठा करेला। तो ये है आपका मीठा करेला। यहाँ पे कोई फर्टिलाइज़र या कोई केमिकल्स यहाँ पे नहीं दिया जाता है, पूरा जैविक और 100% सेफ है। तो चलते हैं फिर आगे। हेलो देयर, जाने दोगे कि नहीं जाने दोगे हैं? और ये अपना भैंस मौसी, एकदम पहाड़ी स्टाइल में घर है पूरा। और सामने से आपको हिमालय दिखेंगे पूरा इस साइड में। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, ऊपर तक जाएंगे इस साइड में सुनील भैया के साथ। सुनील भैया अब बता दो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल, और लाइक करना, शेयर भी करना। थैंक यू सो मच। चलते हैं फिर, लेट्स गो लेट्स गो। देखा, ही नोज द रोड। तो ये थोड़ा सा नीचे स्टीप है। लेट्स गो। Now which way? Now it's a good question. I'm not really sure which way. तो यहाँ पे घना बुशेस के थ्रू हम लोग जा रहे हैं। Really offbeat. This is really offbeat. Oh, देखो. Enjoy. Enjoy, huh? Enjoy. Enjoy. Yeah. Enjoy. तो भैया बोल रहे हैं कि थोड़ा सा और ऊपर हम लोग जा सकते हैं, जहाँ पे जाके हम लोग थोड़ा सा बैठ सकते हैं। I think it's gonna be little kind of meadow. I'm not sure, so let's go and find it out. हम लोग थोड़ा स्टॉप लिए थे और थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। Bro, yeah. So we have to take that trail up there. Yeah. And okay, then we're gonna have to explore this. Right. Done. So let's go. Let's get there. Yep. Yeah. Oh, this is such a beautiful road, man. At the same time, the view you're getting right there, it's amazing, man. Hoy, रास्ता कौन दिखाएगा फिर? देखो, पिकिंग अप लिटिल मोर ऑल्टीट्यूड, वो सामने जाके दिखाता है व्यू। तो अभी हम लोग किसी के घर जा रहे हैं ऊपर में, वहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट करेंगे। The trail was pretty difficult actually through the bushes. Trekking करोगे बेटा? चलो आज trekking करते हैं। Check this out. Ready-made bouquet, natural bouquet. Natural bouquet. Welcome. So this is the natural bouquet, huh? Yeah. Fantastic. We are welcoming all. Welcoming all with the flowers and showers of happiness. So this is kind of a backyard, you can say. And by the way, ये crystals, ये बर्फ अभी नहीं है, बट बर्फ ही है एक्चुअली, बट दिस इज नॉट स्नोफ्लेक्स, दिस इज क्रिस्टलाइज्ड ड्यू। ध्यान करने के लिए इससे अच्छा जगह है क्या हो सकता है? अभी सामने चलते हैं, घर की तरफ जाते हैं। बहुत सही लोकेशन में घर है एक्चुअली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यहाँ पे घास सुखा के ऐसे काट के वो यहाँ पे टांग दिए। सर्दी व टाइम में बहुत काम में आएगा जानवरों को। तो आपको घर के उस साइड में जाके दिखाते हैं क्या सीन है। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? ये अपना है कार्तिकेय इधर। कितना छोटा है अभी? 2 हफ्ता हुआ है, बहुत छोटे हैं। कितना नटखट है एकदम। अभी घास समझ के चबा डालेगा मेरा दाढ़ी। चलो ठीक है दादा, मैं घूम के आता हूँ। ठीक, नमस्कार। तो आगे चलते हैं। अभी पर्वत का शिखर और रिवील करने लगा खुद को। धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। चलते हैं फिर, लेट्स गो। तो अभी हम लोग पहुंच गए घर तक जहाँ पे हम लोगों को जाना है। सो यहाँ से व्यू बहुत मस्त नज़र आ रहा होगा, पूरा ओपन व्यू है। तो यहाँ पे भैया के घर तक पहुँच गए हम लोग। नमस्ते नमस्ते भैया जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम है संग्राम सिंह बिष्ट। राम सिंह बिष्ट। मेरा नाम है अभिक। नमस्ते आपको। जी सर, भैया जी के घर में हम लोग पहुँच गए हैं। जी जी। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस गाँव के नाम? ये गोंक है। ये गोंक विलेज है। गोंक विलेज, अच्छा। ये जोशीमठ से कितना दूर में पड़ता है वैसे? ये 3 किलोमीटर के आसपास, 3-4 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। बट इसका जो ट्रैक है, जो मज़ा है, ये बहुत बढ़िया है। मतलब सही है एकदम, जंगल के बीच, बुशेस के बीच से गुजरते हुए एकदम कांटा माटा लगा एकदम, पर सही है, मज़ा आएगा। अभी देखो कहाँ पे पहुँच गए हम लोग, ब्यूटीफुल। आपको थोड़ा सा साइड में दिखाते हैं। ब्यूटीफुल व्यू, दिस इज जस्ट मेजमराइजिंग व्यू मैन। तो यहाँ पे जो भैया जी हैं उससे भी मुलाकात करवाता हूँ। भैया जी नमस्ते। नमस्ते। भैया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया जी आपका नाम क्या है? राम सिंह है भाई साहब। राम सिंह जी। मेरा नाम है अविक भैया जी। और सुनील भाई आपने यहाँ पे लेके आए हैं, और बहुत सही से जगह से गुजरते हुए हम लोग आए हैं। बहुत आनंद आ रहा है हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे भी बैठेंगे, मजे करेंगे, आपको व्यूज दिखाते रहेंगे, आप लोग एंजॉय करते रहो। तो ये भैया जी का आशियाना है। तो यहाँ पे अभी लाइट नहीं है। तो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल मैन। और अंदर कितना गर्म है, अंदर गर्म है, बहुत गर्म है। सही दादा, सही दादा। इसमें भाई अंदर गए हैं, बहुत सही जगह है। सबको बहुत आनंद आ रहा है, सबको बहुत मजा आ रहा है, आई एम श्योर। वो देखो कितना बड़ा कद्दू है वहाँ पे। ये कद्दू ही है ना दादा? हाँ, कद्दू है, ये कद्दू है। This is actually the sign that this guy really enjoyed the trip through the bushes directly. ओह, यहाँ पे आराम से आग जला के बैठने का। जब सोचो रात में कैसा माहौल रहता हुआ यहाँ पे। अभी ये लकड़ी जलाने के लिए भैया जी नीचे लेके जा रहे हैं। भैया जी आराम से जाओ। ठीक है भैया, ठीक है, जय भोले। भैया जी घर के अंदर जाते हैं अभी, थोड़ा सा जय भोले। जय भोले। ये चूल्हा है। अच्छा, तंदूर जैसा एकदम बना रखे हैं। नहीं चूल्हा है। हाँ चूल्हा है, चूल्हा तो है मतलब उसके बाद तंदूर स्टाइल में। तंदूर स्टाइल। तो यहाँ पे अभी होगा पिसा नून। यहाँ पे नमक और काली मिर्च डाल दिया गया है ऑलरेडी। ये है फ्रंट वेलकम। ये कौन सी चीज डाल रहे हैं? तो अभी इसका प्रक्रिया शुरू हो गया है पिसा नून बनाने के लिए। ओहो, मिर्च डाल गई इसमें। ककड़ी के साथ कैसा लगेगा आप लोग को? ऑलरेडी मुँह में पानी आ रहा होगा। पानी आ रहा है। ये जो है धनिया भी डाल दिए है। मैं सिर्फ वही इंतजार कर रहा हूँ कब ककड़ी के ऊपर डलेगी ये रियल पहाड़ी स्टाइल में एकदम। चलो अभी रेडी हो चुका है। अभी ककड़ी काटते हैं और उसमें उसका लिपाई करते हैं। तो अभी नून लग रहा है इसमें। नून की लिपाई जैसे मैंने कहा। पोताई पोताई। उठाइए उठाइए उठाइए। कैसा लग रहा है? सितंबर के महीने में आना ना, सितंबर में होता है, तब और कच्चा रहेगा, महीना कच्चा रहता है। पुदीना तो यहाँ कौन पूछ रहा, कगड़ी है तो कगड़ी रेल होते हैं। I think people are getting speechless actually. इसमें स्पाइसेस का और जो धनिया है ना उसका विस्फोट हो गया मुंह के अंदर, और पुदीना का। जैसे नॉर्मली आप सॉल्ट डाल के उसको खाते हो ना, उतना मजा नहीं होता। इसको पीस के मतलब चीज डाल के सही लगता है एकदम। लेमन टी बना दो। लेमन टी हाँ, है ना ये जंगल है ना, मामला जंगल का मामला में व्यवस्था रखनी पड़ता है। अभी लकड़ी लग गया है, अभी आग भड़क जाएगी आपके सामने एकदम। आग जल गया है, नहीं कमरा है यार। अभी चाय बन रही है यहाँ पे, कमरा है ना, वो भी लेमन टी। इस साइड में जो नींबू पड़ा हुआ है बड़ा वाला, ये जाएगा चाय के अंदर, और चाय की महक और खुशबू और स्वाद तीनों मिलके बर्बाद। जब तक चाय बन रही है तब तक आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाता हूँ। The view is just crazy from here. तो अभी चाय तो बन रहा है एकदम गरम गरम, अभी इसको सेवन करेंगे, उसका क्या स्वाद है आपको बताएंगे। ये है काली चाय, ये है आपका काली नींबू वाली चाय। देखो एकदम, अभी कप में डलेगा और मुंह के अंदर प्रवेश कर जाएगा। डालो नहीं छोड़ दे एकदम। ओहो ज्यादा मत डालो फिर। ओके, चाय मिल गया यहाँ पे, फिर मंत्र मार लो थोड़ा, मंत्र मार लेते। तो ये अभी गरम गरम चाय बन गया, सुनील भाई का हाथ के बनाया हुआ एकदम चाय। मैन ब्यूटीफुल। तो ये चाय को भी पीते हैं, इसका लुत्फ उठाते हैं। तो आज हम लोगों का जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो चुका है। वी आर गोना डिसेंड नाउ। भैया थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोग नीचे चलते हैं फिर। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑफ कोर्स। एंड थैंक यू सो मच। जय भोलेनाथ।